जाता, बल्कि साइकोलॉजी एक ऐसी डेवलप कर ली जाती है जो आने वाले दिनों में हमें प्रॉफिट देकर ही जाती है। इसलिए इस चैनल का मैंने निर्माण किया है और नाम भी रखा है सर डीप सर्च, यानी कि गहरी सोच। तो इस सोच के अनुसार नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर जोमैटो की, जहां जोमैटो में कुछ दिन तक के गिरावट और उसके बाद ज़्यादा उछाल वो किस तरीके से आया, ये भी आज हम इसके जानने की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आगे जाकर जोमैटो हमें क्या प्रॉफिट दे सकता है या वो हमें फिर से लॉस देने के लिए तैयार होगा। जितनी भी बातें करते हैं सर हम, वो सारी न्यूज बेस और तथ्यों पर यानी फैक्ट पर बातें होती है, इसमें कुछ भी अपने तरफ से मिलाया नहीं जाता, बल्कि साइकोलॉजी एक ऐसी डेवलप कर ली जाती है जो आने वाले दिनों में हमें प्रॉफिट देकर ही जाती है। इसलिए इस चैनल का मैंने निर्माण किया है और नाम भी रखा है सर डीप सर्च, यानी कि गहरी सोच। तो इस सोच के अनुसार हम बात करेंगे सर जोमैटो की, और जोमैटो की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सर 2020 में जब उबर ने इसके अंदर अपना इन्वेस्ट किया था तो वो करीब 1376 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से उबर की जोमैटो में 7.8% का स्टेक हो गया था, हिस्सेदारी हो गई थी, और उसके बाद से ही ये इसको बेचना चाह रहा था। लेकिन जो लॉक इन पीरियड एक साल का था वो समाप्त हुआ और कुछ बड़े बड़े फंड इसके अंदर से निकलते गए, तो इसलिए आपको ये गिरावट के सिलसिले दिखाता रहा। अब इसके अंदर से उन्होंने अपने सारे शेयर यानी कि 61.2 करोड़ शेयरों को सेल कर दिया है, और गनीमत ये समझिए सर कि इसको खरीदने वाले भी तुरंत तैयार हो गए। जहां उसको उम्मीद थी कि 48 रुपये से 54 के हिसाब से वो अपने शेयरों को बेचेगा ना, तो वहां पर भी उसको 2000-3000 करोड़ करीब का प्रॉफिट होने वाला था। ये देखते हुए अगर कोई इसका खरीदार नहीं मिलता जोमैटो का, जिस तरीके से उन्होंने वो सेल अपने करे हैं, तो ध्यान रखना सर इसका सेल 20-30 रुपए में भी आ जाता। लेकिन गनीमत ये है कि बड़े बड़े जो फंड हैं सर, 20 बड़े जो फर्म हैं फंड हैं, उन्होंने हाथों हाथ इन शेयरों को 50.44 रुपए में प्रति शेयर खरीद लिए, जितने भी उबर ने बेचे हैं सर। ये एक पॉजिटिव संकेत अब ये दिखा देता है कि इसकी जो रेंज है ना, अब 45 रुपए से 55 रुपए के बीच आ गई है, यानी कि यहाँ तक कि ये सेफ जोन में घूमता रहेगा। जो इन्वेस्टर इसके अंदर 50.44% के हिसाब से उबर की जो स्टेक लिया है, वो उन्होंने इसके काम को जानकर ही लिया होगा, इतनी भी बात आपको एक समझनी पड़ेगी। फिर भी जो काले अंधेरे थे जोमैटो के अंदर वो अब छट गए हैं, अब इसको अपना काम करके भी दिखाना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकलकर और भी इसके अंदर आ रही थी, अपने नाम को चेंज करेगा, अभी ये न्यूज आ रही है, अभी पूर्णतया जब चेंज होगा तो ये सबको पता लग जाएगा। वैसे नाम चेंज से इसमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क ये पड़ता है कि जो लॉक इन पीरियड एक साल का था उसके अंदर सब जो निकल रहे थे ना, वो सब प्रॉफिट लेकर निकल रहे थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसके अंदर से लॉस लेकर निकल रहा हो। तो जब वो निकले, अब ये शेयर प्राइस यहाँ है, और यहाँ पर उबर ने अपनी 7.8% का स्टेक जो सेल किया, उसे खरीदने के लिए खरीदार बैठे, ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बन गए हैं और अब इसकी उड़ान भरने की ये तैयारी करेगा। लेकिन जो माहौल युद्ध की स्थिति का भी पैदा हो रहा है, और एक माहौल और चाइना ताइवान और अमेरिका का भी हो रहा है, ये भी आपको भांपना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलसिले जितने भी होते हैं सर एशिया की मार्केट में असर डालते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। तो जोमैटो से उबर निकला, किसी ने खरीदा, और अब जोमैटो की जो बढ़ते कदम तैयारी के साथ, लेकिन मार्केट का रुख देखकर ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।